हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए एसओएफ ओलंपियाड से इंग्लिश ओलंपियाड के सिलेबस एंड सैंपल पेपर, उसके एग्ज़ाम डेट, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा, अप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगी, एग्ज़ाम डेट कब है, एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा, फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगी, फीस, एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगी, लैंग्वेज क्या रहेगा, टाइमिंग, कितने घंटे के एग्ज़ाम होंगे, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही 2024-25 के लिए सैम्पल पेपर एंड सिलेबस भी हम देखेंगे कि किस प्रकार का सिलेबस है, सैम्पल पेपर इंग्लिश का रहता है। लास्ट थर्ड के लिए हम देख रहे हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं, ये साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा एग्जाम लिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्लास फर्स्ट से 12th तक के कोई भी बच्चे, चाहे वह किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम लेवल इंटरमीडिएट होती है। अप्लीकेशन प्रोसेस स्कूल के द्वारा करवाई जाती है। स्कूल के द्वारा ही इस ओलंपियाड एग्ज़ाम के फॉर्म भराए जाते हैं और फिर बच्चों की एग्ज़ाम कराई जाती है। एग्ज़ाम डेट, तीन डेट दी गई है, 26 सितंबर 2024, 8 अक्टूबर 2024 और 8 नवंबर 2024। ये तीन इंग्लिश ओलंपियाड के एग्ज़ाम के डेट दिए गए हैं। स्कूल के द्वारा जो भी एक डेट चूज की जाती है एग्ज़ाम के लिए, उसी डेट पर उस स्कूल के बच्चों की एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम का मोड ऑफलाइन है, अर्थात आप इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं और इंडिविजुअल बच्चे भी इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरकर एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये एग्ज़ाम स्कूल के द्वारा ही कराई जाती है। रजिस्ट्रेशन फीस 125 लगते हैं और यह एग्ज़ाम साल में एक बार होती है। लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी एग्ज़ाम होती है और ड्यूरेशन एक घंटे का रहता है। आपसे निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आप किस तरह का वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसके सैम्पल पेपर एंड सिलेबस। ये सैंपल पेपर 2024-23 के लिए है। इंग्लिश का एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर चार भागों में बटे होते हैं। पहला स्ट्रक्चर रहता है वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, जिससे 15 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहते हैं। दूसरा सेक्शन रीडिंग का रहता है, जिससे 10 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1 रहते हैं। थर्ड सेक्शन हमारा स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन का रहता है, जिससे 5 क्वेश्चन रहते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क। एंड लास्ट अचीवर सेक्शन, 5 क्वेश्चंस रहते हैं एंड पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। इस प्रकार टोटल 35 क्वेश्चंस रहते हैं और टाइमिंग 1 आवर्स का रहता है। सिलेबस हम देख लेते हैं। सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4 सेक्शंस के सिलेबस क्या होते हैं। सेक्शन 1 में होता है वर्ड पावर, होमोफोन्स, कलेक्शन, स्पेलिंग, वर्ड रिलेटेड टू एनिमल्स, हाउस होल्ड थिंग्स, क्लॉथ्स, बेसिक इमोशन, फूड, एनिमल्स एंड पेट एक्सेट्रा, साइनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, जेंडर, नंबर, प्रोवर्ब्स, आइडम्स, वन वर्ड, नाउंस, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सिंपल टेंसेस, कंजक्शंस एंड पंचुएशन, बेसिक क्वेश्चंस, क्वेश्चन टैग्स, जंबल वर्ड एक्सेट्रा। सेक्शन 2 में सर्च फॉर द डिटेल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस टेक्स्ट टाइप लाइक स्टोरीज, एनिकोडर्स एक्सेट्रा, अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन थ्रू पिक्चर्स, टाइम टेबल फॉर्मेट एक्सेट्रा, acquired board understanding of the of and look for specific information in short text like message, invitation, etc. Section 3 में eligibility to understand situation based variation in functions like apology, greetings, introduction, request, etc. and section 4 higher order thinking questions syllabus as per as section 1, 2, 3. अब इसके सैम्पल पेपर्स हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन है वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से आउट ऑड कौन सा वर्ड है, ए फ्रेंच, बी इंडिया, सी जर्मन, डी जापानीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अदर तीन एक लैंग्वेज है जबकि बी इंडिया कंट्री के नाम दिए गए हैं। सी चूज द ऑड पेयर, ए नर्स एंड पेशेंट, बी पायलट एंड एयरप्लेन, सी वेटर एंड गेस्ट, डी टीचर एंड स्टूडेंट। ऑड वन आउट इज ऑप्शन बी, अदर तीन जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं। नर्स पेशेंट को देखती है,
वेटर गेस्ट को एंटरटेन करते हैं, टीचर स्टूडेंट को देखते हैं, जबकि टॉयलेट और एयरपेन ऑड वन आउट है। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 and 4, फिल इन द ब्लैंक। माई मदर गेव मी डैश यूजफुल एडवाइस। ए द, बी ए, सी एन एंड डी, नो आर्टिकल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, माई मदर गेव मी ए यूजफुल एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रेन डैश एट 6 PM डेली। ए अराइव, बी अराइव, सी अराइविंग, डी अराइव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अराइव, द ट्रेन अराइव्स एट 6 PM डेली। नंबर क्वेश्चन नंबर 5 and 6 के लिए रीडिंग सेक्शन आ जाता है। रीड द आर्टिकल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए इसको हम पढ़ते हैं और साथ में इसके आपको हिंदी में एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। कराको वाज क्रिएटेड 30 इयर्स एगो इन को जापान। कराको को 30 साल पहले जापान के कोबो में बनाया गया था। इट एक्चुअली मीन्स इम्फेटिक ऑर्केस्ट्रा। इसका वास्तव में मतलब है अस्थाई खाली ऑर्केस्ट्रा। एंड वाज पॉपुलर विथ बिजनेसमैन हु वांटेड टू रिलैक्स एट द एंड ऑफ हार्ड डे। और यह बिजनेसमैन के बीच में, उन बिजनेसमैन के बीच में काफ़ी लोकप्रिय था जो बिजनेसमैन हार्ड कठिन दिनों में रिलैक्स करना चाहते थे। पीपल कुड सिंग कॉन्फिडेंटली अलोंग विथ द हेल्प ऑफ ओरिजिनल टोन्स। यहाँ पर लोग कॉन्फिडेंटली पूरे आत्मविश्वास के साथ अकेले में किसी भी सॉन्ग के ओरिजिनल टोन्स के साथ गा सकते थे। कैरोको बाज बिकम वेरी पॉपुलर नाउ अमॉन्ग ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कैरोको अब समाज के सभी वर्गों में और यहाँ तक कि एक हिस्से के रूप में बहुत लोकप्रिय हो गया था, लोकप्रिय हो गया है। एंड इवन एज अ पार्ट ऑफ वेडिंग सेलिब्रेशन, और खासकर वेडिंग सेलिब्रेशन में इसका काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। सिंगिंग सॉन्ग अमंग फ्रेंड्स विथ म्यूजिकल अकॉम्पेंट क्रिएट अ प्लीजेंट एटमॉस्फेयर एंड इज सो मच फन। गाने के द्वारा फ्रेंड्स के साथ लोग म्यूजिकल अकॉम्पेंट के साथ गाना गाते हैं जिससे माहौल खुशनुमा हो जाता है, जो कि काफ़ी मज़ेदार एंड फन था, फन जैसा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे और इसके जवाब देंगे। पहला है, सिंगिंग अलोंग द म्यूजिक इज इंजॉयबल बिकॉज इट इज इजी एंड फन टू सिंग विथ म्यूजिक। बी द सॉन्ग आर पॉपुलर। सी इट इज अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। एंड डी एवरीवन इज इलिटरेट। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इट इज इजी एंड फन टू सिंग विथ म्यूजिक। नंबर 6, दिस फॉर्म ऑफ द सिंगिंग रिक्वायर्ड अ ट्रेडिशनल म्यूजिक, बी बैकग्राउंड म्यूजिक, सी लाइव बैंड्स एंड डी रिकॉर्डिंग डिवाइस। दिस फॉर्म ऑफ सिंगिंग रिक्वायर्ड बैकग्राउंड म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 7, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन से क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। डायरेक्शन 7, क्वेश्चन नंबर 7 and 8 के लिए चूज अ सेंटेंस टू कंप्लीट द डायलॉग। सिचुएशन है, यू एंड योर ओल्ड ग्रैंडफादर वांट टू क्रॉस अ रोड सेफली। आप और आपके ग्रैंडफादर रोड सेफली क्रॉस करना चाहते हैं, तो रिस्पॉन्स क्या रहेगा? ए लेट्स रन ग्रैंडपा, बी बी केयरफुल ग्रैंडपा, सी डोंट स्टॉप ग्रैंडपा, डी लेट्स रिटर्न ग्रैंडपा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी केयरफुल ग्रैंडपा। नंबर 8, सिचुएशन, यू हैव टू सी ऑफ अ फ्रेंड हु इज गोइंग टू अनदर कंट्री। आपको किसी मित्र को विदा करने जाना है जो कि दूसरे देश जा रहा है। रिस्पॉन्स ए, आर यू रियली गोइंग अवे, बी डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, सी हैव अ वंडरफुल जर्नी, डी डोंट फॉरगेट मी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हैव अ वंडरफुल जर्नी।
अचीवर सेक्शन से हम चलिए देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 अचीवर सेक्शन से है, फिल इन द ब्लैंक्स। यू शुड टेक योर ओवरकोट, इट इज डैश कोल्ड आउटसाइड। आपको अपना ओवरकोट ले लेना चाहिए, इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड आउटसाइड, बाहर में एक्सट्रीमली ठंड है, इसलिए आपको अपना कोट ओवरकोट ले लेना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 10, वेयर डू यू गेट ऑल दिस फैंटास्टिक आइडियाज फ्रॉम। वास्तव में तुम्हें ये आइडियाज कहाँ से आते हैं, इतने शानदार आइडियाज आपको कहाँ से आते हैं? आई फाइंड माई टोटली स्टूपिड, बहुत ही बेवकूफ़ी वाला आइडियाज रहता है। दे मेक नो सेंस एट ऑल, इसका कोई भी सेंस नहीं रहता, येल्ड मिस्टर वॉडहाउस, मिस्टर वॉडहाउस ने चिल्लाकर कहा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टूपिड। तो आई थिंक आपको यह सैम्पल पेपर्स एंड पूरे वीडियो अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आप किसी क्लास, पार्टिकुलर किसी क्लास का जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।